लगातार जनपद में पत्रकारों के खिलाफ साजिशें दर्ज किए जा रहे फर्जी मुकदमों के विरोध आक्रोशित पत्रकारों ने इलाहित चौराहा स्थित गणेश शंकर विद्यार्थी पार्क से सांकेतिक धरने के बाद एसएसपी कार्यालय तक पैदल मार्च कर उत्पीड़न के विरोध में नारेबाजी करते हुए एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर पत्रकारों पर दर्ज हुए मुकदमे निरस्त नहीं किए गए और पत्रकारों को न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन होगा। इसके बाद सभी पत्रकार पैदल मार्च करते हुए एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसएसपी को ज्ञापन देते हुए बताया कि जनपद में पुलिस का पत्रकारों के प्रति रवैया ठीक नहीं है। ज्ञापन में बताया कि गत दिवस पुलिस से सांठगांठ कर पत्रकार मिलन परिहार व शशिकांत तिवारी को वैध रूप से कार्य कर रहे क्रशर संचालक की खबर प्रकाशित करने पर उन्हें बंधक बनाकर मारपीट की गई और फिर साजिशन महिला से मारपीट कराकर वीडियो वायरल किया गया और फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया जिसे निरस्त किया जाए। साथ ही घटना में घायल पत्रकार मिलन का मेडिकल परीक्षण किया जाए। साथ ही दूसरा प्रकरण थाना सदर बाजार का पत्रकार साथी राय पर दर्ज फर्जी मुकदमे को राजनीतिक दबाव के चलते उसे बढ़ा चढ़ाकर कार्रवाई की जा रही है जो लोकतंत्र की हत्या साबित कर रहा है। ज्ञापन में मांग की गई कि पत्रकार साक्षी राय के खिलाफ पुलिस राजनीतिक दबाव में एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि अगर मिलन परिहार की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और साक्षी राय पर दर्ज मुकदमा निरस्त नहीं किया गया तो पत्रकार बड़ा आंदोलन करेंगे जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की होगी। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार राम कुमार साहू, शशांक त्रिपाठी, महेश पटेरिया, दीपक त्रिपाठी, राहुल उपाध्याय, रानू साहू, ब्रजेश साहू, मनीष अली, मोहम्मद आफरीन, अमित रावत, नवीन यादव, मोहम्मद सैफ, कलाम कुरैशी, दुर्गा शंकर दीक्षित, रिशाद मंसूरी, विवेक राजौरिया, मुकेश झा, संजीव गोस्वामी सहित ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार रिंकू सिंह, राजकुमार मिश्रा, राजेंद्र बुंदेला, राजीव परमार, कृष्ण चंद्र पाठक, रिंकू यादव, शिव प्रसाद आदि पत्रकार उपस्थित रहे। झांसी से विनोद सोनी की रिपोर्ट। आज हम लोग दो प्रकरण में ज्ञापन देने आए थे एसएसपी साहब को। हमने उनको चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। पिछले 25 मार्च को एक निजी स्कूल में एक महिला पत्रकार है साक्षी राय, उनके साथ जो घटना हुई थी मारपीट की, पुलिस ने दोनों तरफ से मुकदमा लिखा लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ने साक्षी राय ने जो मुकदमा लिखाया था उसको निरस्त कर दिया और उनके खिलाफ अब बड़ी साजिश की जा रही है, धाराएं बनाने का काम किया जा रहा है। एक हम लोग उस मांग में आए थे कि साक्षी राय के खिलाफ जो मुकदमा उसको निरस्त किया जाए। दूसरा, कल जो घटना हुई है गरोटा में, पत्रकार है मिलन परिहार, क्रेशर संचालक ने पुलिस के साथ मिलकर जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत पहले उसको बंधक बनाया, फिर मारपीट की, फिर एक साजिशन वीडियो वायरल किया गया महिला से चप्पल मारते हुए जिससे सामाजिक छवि धूमिल हुई है। हम लोग उस प्रकरण में भी एसएसपी साहब के पास आए थे कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाए और मिलन परिहार के साथ जो घटना हुई है उसके शरीर में जो चोटें हैं उन चोटों का मेडिकल परीक्षण कराकर एफआईआर दर्ज की जाए और क्रेशर संचालक और उस महिला की भूमिका की जाँच कराई जाए, क्योंकि पता चला है कि क्रेशर संचालक अवैध कारोबार करता है वहाँ पर और जो भी उसकी खबर प्रकाशित करता है तो वो उस महिला को, उसके पति को आगे करके उन्हीं लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराता है। तो आज हम लोगों ने ये सब प्रकरण कप्तान एसएसपी के सामने रखा है। हम लोगों ने मांग की है कि मिलन परियार के खिलाफ जो मुकदमा है, साक्षी राय के खिलाफ जो मुकदमा है, उसको निरस्त किया जाए और मिलन परियार की 33 रुपये आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। कप्तान साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि दोनों ही मांगें पूरी होंगी। उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच गलौटा महिला सीओ को दे दी है।